इसके अलावा आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको शिक्षा विभाग समाचार की पीडीएफ फाइल, इसके अलावा सभी भर्तियों की पल पल की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां और बाकी अन्य भर्तियों की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज 19 दिसंबर 2022 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। 48,000 पदों पर होगी भर्ती, रीट अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए 21 दिसंबर से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। 2 महीने में 56,000 पदों पर होगी भर्ती, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती और अन्य। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की नियमों में छूट, 40% न्यूनतम अंकों की नहीं होगी बाध्यता। विस्तृत विज्ञप्ति अनलोक, 300 अंक के प्रश्न पत्र में आएंगे 150 प्रश्न। 21 दिसंबर से शुरू होगी आवेदन, 19 जनवरी 2023 होगी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि। 25 से 28 फरवरी 2023 तक प्रस्तावित की है परीक्षा की तिथि। यह रहेगा अंकों का गणित लेवल 1, हर विषय की कसौटी। प्रदेश में फरवरी महीने में होनी है 48,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती। बेरोजगारों के अरमानों को लगेंगे पंख। राजस्थान पत्रिका धौलपुर, रीट थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 48,000 पदों में अनुसूचित क्षेत्र के 8 जिलों को मिलेंगे केवल 6,018 पद, बीकानेर। राज्य में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए 48,000 पदों पर होगी भर्ती, 4 वर्ष बाद हो रही है लेवल 2 के पदों पर शिक्षक भर्ती। द्वितीय के लिए 4 वर्ष पूर्व थी भर्ती, पद नहीं है खाली, इसलिए जाना पड़ेगा दूरस्थ जिलों में। यह होने वाली भर्ती में पदों का गणित, शिक्षकों के तबादले करे सरकार। नवज्योति बाड़मेर, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी न्यूज़, पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर, द्विवर्षीय बीएसटीसी छात्रों का परिणाम अगले वीक आज या कल में जारी हो जाएगा। परिणाम जारी करवाने के संबंध में अधिकारियों से बात हो चुकी है और इसके बाद युवा थर्ड ग्रेड भर्ती में शामिल हो सकेंगे। उपेन यादव आज विभिन्न भर्तियों को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। शिक्षा विभाग बड़ी न्यूज़, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड सरकारी स्कूलों में बड़ा बम्पर ना मानकर दूसरी ओर लाखों पद खाली, कैसे मिले विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा। राज्य में 64,781 सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग द्वारा लेटर टीपी से बकाया है 270 की पदोन्नति, 27% शिक्षकों के पद खाली। गुरुज्योति पत्रिका, 2023 में फर्स्ट ग्रेड के 11,302 नए पदों को वित्तीय स्वीकृति मिलने की उम्मीद। इसके बाद फर्स्ट ग्रेड के 20,000 से ज़्यादा पद खाली हो जाएंगे। वरिष्ठ अध्यापकों पदों पर नहीं मिली वित्तीय स्वीकृति। 200 कर्मोन्नत सेकेंडरी स्कूलों में 1200 सेकेंड ग्रेड के पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं। आरपीएससी न्यूज, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड ग्रुप बी के प्रवेश पत्र अपलोड। राजस्थान पत्रिका, 29 केंद्रों पर 7 दिनों में 51,375 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, भीलवाड़ा में सेकेंड ग्रेड। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में जुटा उदयपुर प्रशासन, नवज्योति। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती एग्जाम 21 से, सीकर में प्री शिक्षा शास्त्री टेस्ट, आवेदन तिथि बड़ी अब 30 तक मौका। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 3 ग्रुपों में 21 से 27 दिसंबर तक चलेगी परीक्षा।
8 विषयों के 9760 पदों पर 12.21 लाख अभ्यर्थी दौड़ में। इसमें 60% एसएस और हिंदी विषय के। शिक्षा विभाग बीकानेर। 421 व्याख्याताओं को पदोन्नति के बाद भी प्रिंसिपल पदों पर पोस्टिंग नहीं, बीकानेर। शिक्षा विभाग। कर्मचारी चयन बोर्ड करा चुका है दस्तावेज सत्यापन, चयनित कंप्यूटर अनुदेशकों को 50 दिन बाद भी नियुक्ति नहीं, सीनियर और बेसिक अनुदेशकों की भर्तियां, झुंझुनू, भास्कर। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भवन देने से इनकार करने पर 23 स्कूलों को नोटिस, 3 दिन में जवाब मांगा, झुंझुनू, आरपीएससी सेकंड ग्रेड। व्याख्याता सीधी भर्ती व पदोन्नति में दो अलग अलग योग्यता न्यास संगत नहीं, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मुलाकात, दोसा। पदोन्नति नियमों में शिथिलता के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जयपुर, भास्कर। नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती में आवेदन 23 तक ऑनलाइन फॉर्म भरने में आ रही है दिक्कत। सहकावटी विश्वविद्यालय में रिसर्च सुपरवाइजर के लिए 24 तक कर सकते हैं आवेदन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रतिभा खोज परीक्षा में 89.26% स्टूडेंट्स रहे उपस्थित, अजमेर। जोधपुर सहित 72 केंद्रों पर हुई प्रतिभा खोज परीक्षा, नवज्योति। एसएससी जीडी परीक्षा में हुए 6 बड़े बदलाव, 10 जनवरी से होगी परीक्षा, 30 मिनट घटाया समय, प्रश्नों की संख्या भी 20 कम की। एग्जाम, डीएलएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम 5 से 17 जनवरी तक होंगे, नवज्योति, जोधपुर। सीयूटी 21 से 31 मई के बीच होगी आवेदन की प्रक्रिया, फरवरी महीने में ही शुरू हो जाएगी। सीबीएसई आज से भेजेंगे कॉपियां व परीक्षा सामग्री। 925 महात्मा गांधी स्कूलों में पहली बार शुरू हो रही है बाल वाटिकाएं, राजस्थान पत्रिका, जयपुर। जेडब्ल्यू मेन में बोर्ड पात्रता से लाखों विद्यार्थी प्रभावित, कोटा। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का परिणाम इसी सप्ताह, नवज्योति। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा न्यूज, नवज्योति, अजमेर। प्रदेश के 28 में से 19 विश्वविद्यालय में अगले सत्र से कॉमन सिलेबस, भास्कर, कोटा। 5वीं-8वीं पास कर चुके विद्यार्थियों को 26 जनवरी तक मिलेगी अंक तालिका, भास्कर न्यूज, धौलपुर। सीटेट दिसंबर जनवरी में होगी परीक्षा, भास्कर न्यूज, कोटा। आरटी की 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं की फीस अब सरकार भरेगी, 31 तक करे आवेदन, हनुमानगढ़। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, बच्चे बोले पेपर सरल था लेकिन रीजनिंग को हल करने में समय लगा, भरतपुर। देश की 23 लो विश्वविद्यालय की 3800 सीटों पर प्रवेश के लिए परीक्षा, भास्कर न्यूज। आवेदन 31 तक, 2.5 लाख बालिकाओं को मिलना है गार्गी पुरस्कार, 25 दिन में महज 40,000 आवेदन, जयपुर।